इनके लब रंगी की मिठावर के जिसने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जश्न बेवफा आईडी है और सवाल है वफादारी का, यानी वली अल्लाह की वफादारी का। ये पूछना चाहते हैं कि कुरान मुकद्दस में 25वें पारे में शुरू में कहीं जिक्र है कि अल्लाह औलिया अल्लाह को अगर तुम बनाते हो, अल्लाह के वली बनाते हो, तो तुम अल्लाह की नज़र में हो और क़यामत में इसका यानी गुनाह होगा। मेरे ख्याल से ये सूरह शूरा का जिक्र कर रहे हैं, 25वें पारे की शुरुआती 5 या 6 के करीब आयत में, वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफीज़ुम अलैहिम, जो अक्सर अहले हदीस वगैरह जो है वो पेश करते हैं सुन्नियों के मुकाबले में कि देखो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कोई अल्लाह का वली बनाते हो तो तुम मुजरिम हो और तुम अल्लाह ताला की नज़र में हो। जैसा कि इस आयत का भी मतलब है, यानी अल्लाह ताला फरमाता है और जिन्होंने अल्लाह के सिवा वली बना रखे हैं वो अल्लाह की निगाह में हैं। तो यहाँ एक चीज़ याद रखने वाली है तमाम सुन्नियों को, एक कॉमन सी चीज़ है कि जहाँ भी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा जिक्र होगा कि जहाँ अल्लाह ताला ने किसी मददगार को या फिर कुफ्फारे मक्का को मुखातिब किया होगा मददगारी के हवाले से, तो वहाँ अक्सर जो है मददगार मुकाबले में होगा, यानी अल्लाह के मुकाबले में। जैसा कि इस आयत में है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी को मददगार बनाते हो, और यहाँ औलिया से मुराद ये वली नहीं है। ये लफ्ज़ औलिया जो है वो जमा है, यानी वली का बहुवचन। तो वली से मुराद यहाँ ये वली नहीं जो मुसलमानों के वली होते हैं, बल्कि वली से मुराद यहाँ मदद करने वाला, मददगार, तुम्हारा हामी, सरपरस्त समझ लो। कि जैसा कि अरब के जो काफिरीन होते थे ना, तो वो अपने बुतों को अपना मददगार समझा करते थे कि जैसे ये बारिश बरसाने में हमारी मदद करते हैं, ये इसमें मदद करते हैं, तो उस किस्म की वो आयत है, उससे मुराद ये है। और जहाँ भी अल्लाह के मुकाबले का जिक्र होगा ना कि अल्लाह के सिवा तुम किसी को समझते हो, तो अल्लाह के सिवा का मतलब होता है काफिरों से खिताब है कि अल्लाह को छोड़ के किसी और को ऐसा मददगार समझ रहे हो कि वो तुम्हारी मिसले खुदा मदद करता हो। जैसे ज़िंदगी देने वाला खुदा अलग है और बारिश बरसाने वाला खुदा अलग है, खेतियों में अनाज पैदा करने वाला खुदा अलग है। तो ये सब अकीदे कुफ्फारों के हुआ करते थे, जिससे कुरान में जा बजा अल्लाह तबारक व ताला ने उनको मुखातिब करके फरमाया। तो इस आयत का भी वही मतलब है, और साफ पता भी चल रहा है कि अल्लाह के सिवा तुम जिसको, तो मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ाती मदद को छोड़ के तुम किसी और को मदद करने वाला समझते हो, यानी अल्लाह की ज़ात के मुकाबले में लाते हो, शरीक करते हो, अगेंस्ट में लाते हो। तो यहाँ ये मुराद है, ना कि ये कि औलिया अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि औलिया अल्लाह की जो मदद है वो अल्लाह के मुकाबले में यकीनन नहीं है, ना मुसलमान का ऐसा ख्याल। उनकी मदद अल्लाह ही की मदद है, कि अल्लाह के वास्ते से मदद है, अल्लाह की अताई मदद है। तो ये आयत के जो अहले हदीस वगैरह या वहाबी वगैरह पेश करते हैं कुरान पाक की कि अल्लाह के मुकाबले में तुम किसी वली को लाओगे, तो यहाँ इस वली से मुराद या औलिया से मुराद ये जो लिखा है, या मददगार बुतों से, यहाँ बुत मुराद है, यानी काफिरों के जो बुत मददगार हैं वो वाले वली मुराद हैं। यही सूरह शूरा में ये 25वें पारे की आयत का मतलब है। और इसी तरीके से अब देखा जाए तो वैसे मुसलमानों को, अगर इस आयत को मुसलमानों पे लगाया जाए तो फिर तो ऐसे बहुत सारी मदद जो है वो मुसलमानों की फरिश्तों के ज़रिए ही होती है। मिसाल के तौर पर ये जो बारिश बरसाने का काम है ये फरिश्ते के ज़रिए ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों की बारिश बरसाकर मदद फरिश्ता करता है। तो क्या ये मुकाबले में मदद है? यकीन नहीं है, मुकाबले में नहीं, बल्कि आयन मुताबिक है शरीयत के और आयन मुताबिक है इस्लाम के, क्योंकि ये मदद अल्लाह ही की असल मदद मानी जाएगी, अगरचे फरिश्ते के ज़रिए हो। इसी तरह आप देखें, हवा चलाने वाला फरिश्ता है, आपके नाम आए माल लिखने वाला फरिश्ता है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिक्र किया इन चीज़ों का कि फरिश्ते जो है वो मुसलमानों के मददगार हैं, अल्लाह के दीन के मददगार हैं। हदीस पाक में हुक्म हुआ कि मुसलमानों के आपस में मदद करो। तो इस तरह से अगर आपस में बंदा किसी का वली बने, मददगार बने, हामी बने, और ये मुकाबले में ना हो खुदा के, तो ये शिर्क के दर्जे में नहीं आता, अगरचे
जाहिल लोग इसको शिर्क के दर्जे में लाते हैं कि ये भी शिर्क है, तो इस तरह की मदद से मुराद नहीं। तो अब कहीं पे भी आपके सामने कोई भी ऐसा बदअकीदा कोई आयत पेश करे कि जहाँ अल्लाह ने कहा हो कि अल्लाह के सिवा तुम मददगार बनाओगे तो तुम जहन्नम में जाओगे, तो अल्लाह के सिवा किसी को मददगार बनाने का मतलब ये है कि अल्लाह को खुदा ना माना जाए और उनको खुदा माना जाए जिनकी तुम मदद लेते हो, तब जहन्नम में जाओगे और यकीनन जाओगे। लेकिन ये कि जो इमदाद होती है या वसीला होता है औलिया अल्लाह का, तो वो मुकाबले में मुसलमान का कभी नहीं होता। तो जब मुकाबले में नहीं होता तो मतलब खुदा के मुताबिक होता है, जैसा कि बारिश बरसाने वाले फरिश्ते की मदद मुकाबले में नहीं है बल्कि मुताबिक है, ये भी हमारे लिए मदद है। अब कोई कहे कि अल्लाह पानी बरसाता है, तो जाहिर है कि अल्लाह पानी बरसाता है मगर बरसाता तो फरिश्ते के ज़रिए ही है, तो ये मदद भी फरिश्ते की हुई मुसलमानों के लिए, लेकिन ये शिर्क नहीं हुआ। हवा चलाने वाली रिस्क देने वाले फरिश्ते की मदद भी हमारी मदद है, लेकिन ये मदद भी खुदा के मुकाबले में नहीं है। तो इस आयत का गलत मफहूम जो पेश किया जाता है उससे बचें, और हमेशा यह कुल्ली कायदा जो है वो अपने जहन में रखें कि जब भी मुकाबले का जिक्र होगा तब वहाँ शिर्क होगा, और जहाँ अल्लाह मुकाबले का जिक्र करता भी है कुरान में कि अल्लाह के सिवा, तो हमेशा वहाँ बुतों से बुत मुराद होते और मुखातिब होते मुशरिकीन कि तुम अल्लाह के सिवा किसी को मददगार बनाते हो, यानी मुकाबले में लाके। तो हमारा जो अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबले का नहीं होता, औलिया अल्लाह मददगार है, नबी मददगार है, फरिश्ते मददगार है, और मुसलमान आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, तो ये अल्लाह के मुकाबले में यकीनन नहीं है, बल्कि ये ऐन अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक ही है। तो इस आयत का वो मतलब है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। Put on it.